आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आईलाइनर लगाने के बारे में, क्योंकि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना, जब कहीं भी हम लोग शादी या पार्टी में जाते हैं तो आईलाइनर नहीं लगाने आता है, तो उसी के बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड, मैं प्रियंका, प्रियंका डीसी ब्यूटी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग को दिल से शुक्रिया मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए और अपना इम्पोर्टेंट टाइम देके मेरा वीडियो देखने के लिए। तो आज का वीडियो आप लोग के रिक्वेस्ट पे आया हुआ है कि आप कौन सा आईलाइनर लें जो फैले नहीं, और ज्यादातर इस समय शादी स्टार्ट हो गया तो शादी और पार्टी में हम लोग उसे आईलाइनर को लगा के जा सकते हैं, तो उसी के बारे में इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच करिएगा। तो ये है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पेंसिल आईलाइनर आता है, जो सबसे इजी होता है लगाना और जल्दी फैलता भी नहीं है और वाटरप्रूफ भी होता है। तो इसलिए इस वीडियो में आज पेंसिल आईलाइनर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सब लोग को आईलाइनर नहीं लगाने आता है। मुझे लोग कमेंट करते हैं कि ऐसा कोई आईलाइनर नहीं है जिसे हम इजी तरीके से लगा सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल इजी तरीके से इस आईलाइनर को आप लगा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा लगाने में। अगर आपको थोड़ा सा भी आईलाइनर नहीं लगाने आता है ना, तो आप इस आईलाइनर से बिल्कुल फिनिशिंग एक लुक देके आईलाइनर लगा सकते हैं। और आप देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ है बिल्कुल ये वाटरप्रूफ आईलाइनर है और ये बिल्कुल पेंसिल की तरह है। आप इसे जिस तरीके से चाहते हैं अपने आईज पे लगाना, उस तरीके से लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसे ऐसा नहीं है कि आप इसे लगा रहे हैं तो आपसे अच्छे से लगेगा नहीं, मोटा आईलाइनर लग जाएगा, फैल जाएगा, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं होने वाला है और बहुत ही अच्छा ये वर्क भी करता है। चलिए बात करते हैं कि ये आईलाइनर किस ब्रांड का और इसका प्राइस क्या है। तो ये है प्रिसीजर लिक्विड आईलाइनर और ये बहुत ही अच्छा वर्क भी करता है और इसका प्राइस जो है आपके बिल्कुल बजट में आने वाला है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इसका प्राइस है, बिल्कुल नहीं। ये आपको मिल जाता है 199 रुपीज में या 180 का भी आता है, तो आप देख लीजिएगा, जब डिस्काउंट होगा तब इसे ले सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है और गर्मियों के दिन में आपको जब फैन चलाते हैं तो फैन से इसे बचा के रखना रहता है। ऐसा नहीं कि आपको रखना ही नहीं है, नहीं, मेरे कहने का मतलब जब आप ये आईलाइनर लगा रहे हैं गर्मी के दिन में, अगर फैन चल रहा है तो आपको फैन को ऑफ करके इस आईलाइनर को लगाना है, क्योंकि इस आईलाइनर के अंदर जो होता है ना वो लिक्विड होता है और अगर ये लिक्विड जब पंखा के संपर्क में आता है तो सूखने लगता है। तो इसलिए हम आपको बोले कि अगर आप इसे ज्यादा दिन जलाना चाहते हैं, लॉन्ग लास्टिंग चाहते हैं, तो आप इसे जब भी इस आईलाइनर को लगाए ना तो फैन को बंद करके लगाए। और आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा इसका कलर है और ये बहुत ही अच्छा आईलाइनर है और बहुत ही इजी है। जो लोगों को बिल्कुल आईलाइनर नहीं लगाने आता है और शौक है आईलाइनर लगाने का, अपने आंख को खूबसूरत दिखाने का, तो आप ये आईलाइनर बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। और इस आईलाइनर को खरीदने का बहुत ही इजी आपको मेथड बता रहे हैं कि आप इसे ऑनलाइन, ऑफलाइन, किसी भी कॉस्मेटिक के शॉप से, कहीं से भी आप खरीद सकते हैं। हर वेबसाइट पे ये अवेलेबल है, किसी भी वेबसाइट से जाके आप इसे खरीद सकते हैं। और खरीदते समय आप इसका जरूर देख लीजिएगा कि एक्सपायरी डेट कब का है, क्वांटिटी कितना, ये सब कुछ देख के ओरिजिनल चीज ही खरीदिएगा। ऐसा नहीं कि होता है कभी कभी ना कि हम लोग कोई भी कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट लेके आते हैं और उसका एक्सपायरी डेट तुरंत का ही खत्म हो जाता है, यानी एक से दो ही मंथ का बचा हुआ रहता है। तो जब भी अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं ब्यूटी के रिलेटिव, तो आप उसका एक्सपायरी डेट चेक करके ही लीजिए। और ये आईलाइनर बहुत ही, आई होप, उम्मीद करते हैं कि जो लोग मुझे रिक्वेस्ट करके पूछ रहे थे आईलाइनर के बारे में कि कोई ऐसा आईलाइनर हो जो आप इजी से लगा सकते हैं, आपको लगाने नहीं आता है तो, और वाटरप्रूफ है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आप इसे खरीद के लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने आईज को धोते भी है ना तो भी ये जल्दी अपने आपके आईज से निकलता नहीं है आईलाइनर, फैलता तो बिल्कुल भी नहीं है और ये बहुत ही अच्छे से स्मूथ फिनिशिंग भी देता है। कोई कोई आईलाइनर होता है कि हम लगाने के बाद वो अजीब तरह से लगने लगता है, ऐसा लगता है कि उसका फिनिशिंग नहीं आ रहा है, और ये आईलाइनर लगाने के बाद ना आपको बिल्कुल स्मूथ फिनिशिंग मिलने वाला है। तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने प्रियंका डीसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट आपको कौन सा रिव्यू वीडियो देखना है आपके प्रॉब्लम से रिलेटिव, वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब आप लोग मुझे कमेंट करते हैं पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है और आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए ढेर सारा प्यारे प्यारे सपोर्ट करिएगा। और नेक्स्ट आपको कौन सा वीडियो देखना है वो भी कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल पर डेली आपको कुकिंग का वीडियो और रिव्यू वीडियो दोनों मिल जाता है, तो सबसे अच्छा कौन सा वीडियो आपको लगता है वो भी मुझे बताइएगा। और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे अच्छा लगता है कि मैं जो है आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और कहाँ कहाँ से आप लोग मुझे पसंद करते हैं। चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक और नए अपडेट के साथ, और आप लोग को मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से शुक्रिया अदा। अगर आप लोग मुझे इतना प्यार और सपोर्ट नहीं देते तो मेरे लिए यहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, नहीं बिल्कुल नामुमकिन था। तो जो भी है आप लोग के प्यार और सपोर्ट की वजह से। अदर और भी कोई अपडेट जानना चाहते तो मेरे चैनल पे बहुत सारा अपलोड हो गया है अपडेट, आप जाके देख सकते हैं। आपके हेयर फॉल से रिलेटिव, ब्यूटी से रिलेटिव, अदर और भी कोई चीज जानना है आपको जो मेरे चैनल पे नहीं अपलोड है, तो आप कमेंट